Hello everyone. Good afternoon everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं पर confirmation देंगे सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं पर confirmation दो यार Is audibility absolutely fine? Good afternoon Nikku. Hello Sumit. Good afternoon Sneha. Good afternoon Padma. जल्दी fast fast यार सभी लोगों को सभी लोग ज्वाइन होते जाओ यार मचाना है बिल्कुल एकदम मस्त जल्दी क्या बात है गुड आफ्टरनून अनामिका गुड आफ्टरनून शीतल हेलो शिशिर गुड आफ्टरनून सौम्या चलो फटाफट सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग शेयर करेंगे ताकि अपन लोग एकदम मस्त मचा रहे गुड आफ्टरनून मुकेश गुड आफ्टरनून अमित क्या बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आज कुछ कम लोग हैं यूपी पीसीएल का एग्जाम देने गए हुए हैं यूपी पीसीएल का एग्जाम देने गए हैं कुछ बच्चे समझ गया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं चलिए फटाफट जल्दी से ज्वाइन होते जाओ यार क्या बात है सर आपने मशीन का डाउट का नहीं बताया शीतल एक बार वो डाउट भेजना जरा मेरे को है ना एक बार वो डाउट भेजिएगा एक बार है ना शायद आया नहीं है हेलो बिलाल शेख भाई फ्रॉम कश्मीर लव यू बिलाल गुड आफ्टरनून विनोद गुड आफ्टरनून सुमन गुड आफ्टरनून शिवम चलिए गुड आफ्टरनून रितिक गुड आफ्टरनून अरुण चलिए गाइस तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर सेशन जो आप लोग देखते हैं किस चीज के रिगार्डिंग ये मेरा ये हमारा सेशन रहता है और डेली दिन में ये हमारा एक बजे का ये सेशन रहता है तो किस चीज के रिगार्डिंग ये सेशन होता है जरा उसके बारे में समझ लेते हैं क्लियर ताकि आपको क्लैरिटी रहे जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको इस चीज की क्लैरिटी रहे कि ये सेशन जो है वो किस चीज के रिगार्डिंग रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो क्लियर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार आज से ना कुछ समय पहले की बात थी क्लियर आज से कुछ 3-4 महीने पहले की बात थी जब मैंने सोचा था ये इनिशिएटिव लेना क्या होता है बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि सर हमें ये पर्टिकुलर एग्जाम देना है वो पर्टिकुलर जेई का एग्जाम देना है तो सर क्या होता है लास्ट मोमेंट पे सर हमारे पास कंटेंट बहुत सारा हो जाता है सब्जेक्ट बहुत सारे हो जाते हैं तो रिवाइज तो करना ही होता है सर सारे सब्जेक्ट्स को बट द थिंग इज कि एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है अब आप पूछेंगे सर वो क्या होती है वो इंपॉर्टेंट चीज गाइस ये होती है कि हर बच्चे के मन में एक चीज ये रहती है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं क्या जिन पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाए या जिनको रिविजन स्ट्रेटेजी में बार बार लेके आया जाए तो गाइस ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके जेई एई में पिछले 5-7 साल से कंटिन्यूअस मोड में पूछे जा रहे हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए गाइस ऐसे एग्जाम्स के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी और इसका नाम रखा था MIT दैट इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइज ये पर्टिकुलर वो टॉपिक्स हैं जो पर्टिकुलरली पिछले 5-6 साल के अंदर बार बार हर जेई के एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अराउंड 50% सिलेबस आपका इन्हीं टॉपिक से बन जाता है क्लियर तो इन टॉपिक पे जोर देना बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज इस इवेंट की हमारी डेली 2 क्लासेस होती हैं एक दिन में 1 बजे एक शाम को एप्लीकेशन पर होती है क्विज के फॉर्म में ये क्विज होती है गाइज आपकी 9:30 बजे और ये जो इवेंट है हमारा वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलता है इसके बाद गाइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिन में 1 बजे मैं वो टॉपिक डिस्कस करता हूँ और शाम को क्विज के फॉर्म में 9:30 बजे मैं आप लोगों के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्विज कंडक्ट करता हूँ क्लियर ठीक है सर जिन दोनों क्लासेस के लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल के बारे में भी मैं आपको क्लास के बाद बताऊंगा अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस ये इवेंट हमारा मंडे से लेकर के फ्राइडे तक चलता है सैटरडे संडे नहीं होता है और जो भी बच्चा शाम को क्विज का विनर होता है उसको मिलती है 799 रुपीज की वर्थ स्कॉलरशिप अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस इस स्कॉलरशिप के बेस पे वो क्या कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ तो गाइस इस स्कॉलरशिप के बेस पे वो अपने लिए एक बहुत ही अच्छी चीज सुनिश्चित कर लेता है और वो अच्छी चीज क्या है वो आपको मैं जरा बताता हूँ क्लियर जरा सुनेंगे तो गाइज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल जेई लाइव कोचिंग बैच 5 क्या नाम है इलेक्ट्रिकल जेई लाइव कोचिंग बैच 5 गाइज ये पर्टिकुलर बैच जो है आप लोगों का न्यूली लॉन्च टेस्ट बुक पर अभी हुआ है क्लियर एंड ऑल्सो गाइज ये बैच आपका 11th of April से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है तो अब सिर्फ 10 दिन ही रह गए इस बैच के अंदर गाइज बैच की वैलिडिटी जो है वो कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी है और बैच का जो प्राइस है राइट नाउ अभी वो 799 रुपीज है तो बैच का नाम याद रखो इलेक्ट्रिकल जेई लाइव कोचिंग बैच 5 गाइज डेली इसमें बच्चे इनरोल करते जा रहे हैं हजारों बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आने वाले समय में पिछले 4-5 महीने के बाद अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छी तरीके से सारे जेई के एग्जाम्स को अच्छे से टारगेट करके उनको दे पाओ तो फटाफट जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करो आपको ये बैच को लीव नहीं करना है क्लियर गाइस बैच के अंदर टोटल 180 प्लस लाइव क्लासेस हैं हर एक क्लास 2 घंटे की होती है 360 प्लस घंटे का ये बैच है 4500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके अंदर मिलते हैं और आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि गाइस इस पर्टिकुलर बैच को इनरोल करने के लिए आपके पास
पास एक मौका भी है और सारी चीजें भी है। अगर आप चाहते हैं इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना तो आपको शाम को क्विज में विनर बनना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर गलती से आप विनर नहीं भी बन पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन यूज दिस कोड दैट इज कॉल्ड मोहित के बिफोर इनरोलिंग दिस बैच, ताकि आपको सीधे 20 से 37% का डिस्काउंट मिल जाए और यही बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 3400 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। यही बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 3400 रुपीज के अंदर मिल जाता है। गाइस बैच और भी है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं उनका सिलेबस जून तक कंप्लीट हो जाए तो आप इलेक्ट्रिकल जेई लाइव कोचिंग बैच 4 इनरोल कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एई जेई दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल एई लाइव कोचिंग बैच इनरोल कर ले। सभी के लिए आपको ये कोड यूज करना है, फीस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी की फीस ऑलमोस्ट इसी के अराउंड है। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को आज इन्फॉर्मेशन दी और इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको कि क्या क्या टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, कौन से टीचर्स आपको मिलने वाले। तो आज का टॉपिक है हमारा मेगर। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं गाइस, ये सब लोगों ने नाम सुना होगा, तो मेगर के मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा। मेगर की वर्किंग हम लोगों को नहीं समझनी, मेगर के बारे में हमको ये नहीं समझना कि भाई वो कैसे काम करता है, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे। आपसे इंपॉर्टेंट है, आपसे इंपॉर्टेंट ये चीजें पूछी जाती है कि भाई मेगर आपका जो एक्चुअली में वो है क्या और किस तरीके से ये हमारा काम, मतलब किस क्या काम आता है ये, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं जिससे आप इजीली अपने एग्जाम के अंदर आंसर दे पाओगे। क्लियर होता है? यस सर, हमको क्लियर होता है सर। चल क्लियर। तो गाइस हमारा मेगर एक मेगर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। मेगर क्या है? हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, मेकर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर, आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारे हाई रेजिस्टेंसेस होते हैं, क्लियर, जो हमारे हाई रेजिस्टेंसेस होते हैं। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल है या नहीं है? डेफिनेटली दिस इज अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। पोर्टेबल का मतलब होता है इसको आप कहीं भी लेके घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पॉइंट इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, दिस इज पोर्टेबल, ये पोर्टेबल होता है, याद रखना। दूसरा पॉइंट गाइज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्लियर है, ये आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इट इज बैटरी ऑपरेटेड, बैटरी से भी ऑपरेट किया जा सकता है, बैटरी ऑपरेटेड, इट इज बैटरी ऑपरेटेड। और गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैकेनिकली भी ऑपरेट कर सकते हो बाय डीसी जनरेटर, और मैकेनिकली ऑपरेटेड बाय डीसी जनरेटर, मैकेनिकली ऑपरेटेड बाय और डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। क्या ये आपको कोई करंट वोल्टेज के फॉर्म में कुछ देता है या डायरेक्ट रीडिंग देता है? तो गाइस मेगर आपको डायरेक्ट रीडिंग देता है आपके, किसकी बताता हूं, क्यों क्या किस काम आता है, यूज्ड टू मेजर, यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, गाइज हमारे जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, मेगा ओम्स में होते हैं, अराउंड मेगा ओम्स, क्लियर है? ये किस रेंज के होते हैं गाइज? अराउंड मेगा ओम्स, तो गाइज ये आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको डायरेक्टली मेगा ओम्स में रीडिंग देता है, ये आपको डायरेक्टली मेगा ओम्स में रीडिंग देता है, क्लियर है? हार्ड हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है, बिल्कुल सही बात है निकेत सर, लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। राहुल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट? विनोद, देयर इज नो डिफरेंस, इंस्ट्रूमेंट इज द मतलब इंस्ट्रूमेंट भी अपने आप में एक डिवाइस होता है जो किसी चीज को, इंस्ट्रूमेंट मतलब मेजर करने के काम आता है, और डिवाइस मतलब क्या है, डिवाइस तो आप किसी को भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है वो कोई चीज को मेजर करे या ना करे, वो भी आपका डिवाइस है। आपका मोबाइल फोन किसी चीज को मेजर नहीं करता, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपकी एलसीडी किसी को मेजर नहीं करती, वो आपका डिवाइस है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइस है जो मेजरमेंट के काम भी आता है। क्लियर? गुड नून असना। तो गाइज ये मैंने आप लोगों को यहां पे बताने की कोशिश करी है कि बेसिकली आपका मेगर जो है वो क्या चीज है। क्लियर? आपका जो मेगर है वो क्या चीज़? अब बात आती है, क्या मेगर हमको डायरेक्टली रीडिंग्स देता है? बिल्कुल हाँ, मेगर आपको डायरेक्टली यहां से रीडिंग्स प्रोवाइड करता है। तो चौथा पॉइंट के बारे में मैं लिखूंगा, मेगर गिव डायरेक्ट रीडिंग, डायरेक्ट रीडिंग इन ओम्स। मेगर जो आपका है वो डायरेक्ट रीडिंग देता है आपको ओम्स के अंदर, डायरेक्ट रीडिंग इन ओम्स। तो मेगर आपका गाइस डायरेक्टली आपको रीडिंग देता है ओम्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस मैं आपको यही बोलूंगा मेगर के बारे में, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, क्लियर, अच्छा, जनरेटर अगर यूज करते हो, इफ वी यूज डीसी जनरेटर, बैटरी ना यूज करके, इफ वी यूज डीसी जनरेटर देन इट इज हैंड ड्रिवन, then it is hand driven, then it is hand driven, मतलब यहां पर कोई टर्बाइन लगा के जनरेटर को नहीं घुमा रहा है भाई, हाथ से ही घुमाना, इट इज हैंड ड्रिवन।
हैंड ड्रिवन। तो यहाँ पे जो जनरेटर अगर हम यूज करते हैं तो वो जनरेटर हमारा हैंड ड्रिवन होता है, ये ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मैं इसके बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, इसको हम लोग इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड इंसुलेशन टेस्टर, कोई बता सकता है मेगर को इंसुलेशन टेस्टर क्यों बोला जाता है? कोई बता सकता है मेगर को इंसुलेशन टेस्टर क्यों बोला जाता है? ओके सुदीप्ता, ओके ओके। चलिए गाइस सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग। यार सर यूपी पीसीएल का पेपर जैसा आपने बताया वैसा ही आया, क्या बात अमित बाबू, लव यू। कैसा गया पेपर, कैसा गया पेपर भाई? जैसा बताया वैसा तो आया ही, पेपर गया कैसा है? पेपर गया कैसा अमित तेरा? तो गाइस मेगर को हम लोग इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं, क्लियर। मेगर इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेशन टेस्टर। अच्छा गया, मेरे मेरे करवाया हुआ काम आया, मेरा करवाया हुआ कुछ काम आया, एक आध क्वेश्चन क्वेश्चन आया कुछ काम, या एक आध भी नहीं आया। 165 करके आ गया तू, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, लव यू यार अमित यार। कुछ काम आया मेरा करवाया, एक आध क्वेश्चन आया कुछ, मतलब एक आध गलती से भूले भटके आ गया हो एक आध कुछ क्वेश्चन, मेरा जो पढ़ाया हुआ, हाँ मेरा पढ़ाया हुआ भूला भटका एक आध कुछ क्वेश्चन आ गया हो, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ। तो मेगर इज ध्यान रखना, क्लियर है, क्लियर है, ध्यान रखना। अब 80% मेरा कराया हुआ ही आ गया, क्या बात कर रहा है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाइज मेगर के बारे में याद रखना, मेगर इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेशन टेस्टर। मेगर को गाइस हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन टेस्टर, क्यों? क्योंकि बेटा आपका जो मेगर होता है वो आपका, क्लियर है, वो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल को भी मेजर करता है। इट इज यूज्ड टू मेजर मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो गाइस अंडरग्राउंड केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेगर को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस कोई आपसे पूछे इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, अगर आप बैटरी से कर रहे हो या हैंड ड्रिवन जनरेटर की मदद से कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है मेगर का, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है गाइस मेगर का, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस शुड बी 50 to 100 volt, 50 से लेके 100 वोल्ट के आसपास आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। क्या होता है? 100 वोल्ट के आसपास आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, क्लियर। 100 वोल्ट के आसपास आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। चल इसके बाद गाइस मेगर के अंदर मैं आपको एक पॉइंट और लिखवाना चाहता हूं, जो बता देता हूं। मेगर हैव इट हैव थ्री कॉइल्स टोटल, मेगर के पास कितनी कॉइल होती है गाइस? इट हैव थ्री कॉइल्स टोटल, तीन कॉइल होती है गाइस मेगर के पास, कितनी? तीन। इट हैव थ्री कॉइल्स, इसके पास टोटल गाइस तीन कॉइल्स होती हैं। इन तीन कॉइल में से गाइस दो प्रेशर कॉइल होती हैं और वन करंट कॉइल होती है। दो प्रेशर कॉइल होती हैं और वन करंट कॉइल होती है, ध्यान रखना। प्रेशर कॉइल को हम लोग कंट्रोल कॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंट्रोल कॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, ये एग्जाम में अभी तक मुझे नहीं लगता कहीं पूछा गया कि एक मेगर के अंदर कितनी कॉइल होती हैं या कितनी प्रेशर होती है, कितनी करंट कॉइल होती है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें बहुत, मतलब अगर पूछा भी गया होगा तो शायद किसी एक आध एग्जाम में पूछ लिया होगा, बट ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर दो प्रेशर कॉइल होती है और करंट कॉइल होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, इसके अंदर कोई कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होती। इट डज नॉट हैव कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क मतलब क्या होता है? स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी जैसी चीज नहीं है, मतलब स्प्रिंग और ग्रेविटी वो वाला पार्ट इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर जो कंट्रोलिंग प्रोवाइड की जाती है वो विद द हेल्प ऑफ कॉइल प्रोवाइड की जाती है। इन दिस कंट्रोलिंग इज प्रोवाइडेड बाय कॉइल की मदद से। इसके अंदर गाइस कंट्रोलिंग प्रोवाइड की जाती है, क्लियर, याद रखना, कंट्रोलिंग प्रोवाइड की जाती है कॉइल की मदद से। क्या ये पार्ट आपको क्लियर हुआ? जल्दी बताएंगे फटाफट।
क्या ये पार्ट क्लियर हुए सारे पॉइंट्स? यही ऐसे पॉइंट्स है बेटा जो आप लोगों को याद रखने, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शाम वाली क्लास में मैंने पीएलसी के जो क्वेश्चन कराए थे उसमें से दो तीन क्वेश्चन आ गए, क्या बात है अमित भाई, मजा ही आ गया यार सुन के, ये तो मेरे को मजा ही आ गया ये तो मेरे को सुन के। अमित तू बैच में पढ़ता था या सिर्फ वाईटी पे यूट्यूब पे ही वीडियोस देखता था? बैच में पढ़ा है तू? यार अमित बहुत नाम के अमित बैच में पढ़ते हैं तो उसको मेरे को तेरे को अमित बाबू नाम से समझ में नहीं आ रहा। गुड इवनिंग सुवेता, क्लियर? टेस्ट बुक इज द बेस्ट, इतना कोई टेस्ट सीरीज नहीं देता सस्ते में जितना टेस्ट बुक देता है, क्या बात है क्या बात है। चल सर बैच थ्री में था अमित, क्या बात है बैच थ्री में, अच्छा अमित तू बैच थ्री में था, चल बहुत बढ़िया अमित। चलिए सो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हो, अमित अभी यूपीपीसीएल का पेपर देके आए हुए हैं और मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, क्लियर, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि यार है ना अपनी बैच में, हाँ समझ गया, वो एक अमित बहुत सारे रहते हैं ना, अमित कुमार, अब इसमें अमित बाबू है, एक अमित है, अलग अलग आते हैं अमित, है ना, इसलिए वो समझ में नहीं आता कभी कभी, फोटो देखो किसी की तो समझ में आता है कि हाँ ये इंसान है। तो गाइस अभी यूपीपीसीएल का पेपर हुआ तो जैसा अमित बता ही रहे हैं यार वो बैच थ्री में मुझसे पढ़ रहे थे, राइट नाउ बैच थ्री इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बैच फोर इज रनिंग। तो गाइस मैं आपको यही बोलूंगा कि यार चाहे आपका कोई भी जेई का एग्जाम हो, एटलीस्ट यू हैव टू बी स्टडीड इन अ प्रॉपर वे ताकि आप चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, क्लियर है, ताकि चीजों को एग्जीक्यूट करें, क्लियर। चलिए मैं मस्त हूं सुवेता एकदम। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर मेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखना है, क्लियर है, हमेशा याद रखना है। और गाइस मैं आपको यही बोलूंगा कि यार है ना ये मेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखना है, मैं यही बोलूंगा कि जो बैच फाइव या बैच फोर में जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं दे आर शांति सर, गाइस शांति सर आपको नेटवर्क एंड मेजरमेंट फंडामेंटल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हैविंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 9+ ईयर्स, क्लियर। अतुल सर हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 6+ ईयर्स और वो आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, हैविंग अ गेट रैंक ऑफ 792 and 280। एंड गाइस दिस इज माय प्रोफाइल, आई हैव डन माय मास्टर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर एमपीपीएससी ए एग्जाम 2 times, एसएससी जेई एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड ऑल्सो क्वालिफाइड गेट टोटल 7 times। एंड ऑल्सो गाइज आई हैव सिलेक्टेड इन आरवीएनएल एंड आरईसीपीडीसीएल और मैं बैच में आपको एंटायर इलेक्ट्रिकल के सारे कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज आपके पास एक और चीज होनी चाहिए जिसको बोलते हैं टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट बुक पास, क्योंकि इंडिया का हर एक स्टूडेंट आज जब भी टेस्ट देने जाता है चाहे वो एसएससी का हो, रेलवेज हो, इंजीनियरिंग का हो, बैंकिंग, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, सभी के पास टेस्ट बुक पास अवेलेबल होता है, क्योंकि टेस्ट बुक पास आपको प्रोवाइड करता है मोर देन 40,000 मॉक टेस्ट। कितने? मोर देन 40,000 मॉक टेस्ट। ये फोटो पुरानी है, मैं आपको भी बता देता हूँ, द करेंट डेटा के अकॉर्डिंग मोर देन 40,000 मॉक टेस्ट आपको ये प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे आप अपना, क्लियर है, जिसके बेसिस पे गाइस मैं आपको यही बोलूंगा आप अपना एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर्स, इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपका नॉन टेक्निकल का पार्ट हो या जो भी आपका टेक्निकल का पार्ट हो, जितने भी आप टेस्ट लगाना चाहते हैं उतने लगा दें, ये टेस्ट आपसे कभी खत्म नहीं हो पाएंगे, ये मैं श्योरिटी देता हूं, इतने नंबर ऑफ टेस्ट अवेलेबल है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, सिंपल सा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी टेस्ट बुक पास की, उस पर क्लिक करना और इस कोड को अप्लाई जरूर करना, और ये आप बाकी लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हो जो भी इन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, वो फटाफट इस कोड को सजेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड मॉक पास, और तुरंत इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट लेना और फटाफट जल्दी से यही बैच आपको लाइफ टाइम के लिए 600 के आसपास आपको मिल जाएगा, क्लियर है, ध्यान रखें। ओके सर, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस मैं आपको यही बोलूंगा, क्लियर है, कि दिस इज माय टेलीग्राम चैनल दैट इज मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक, क्लियर, ताकि आज शाम को कौन सा टॉपिक रहेगा देव, आज शाम से हम लोग बेसिकली टारगेट करेंगे एनएचपीसी के एग्जाम को, ठीक है, मशीन पावर सिस्टम एंड दीज थिंग्स, है ना। तो गाइस दिस इज माय टेलीग्राम चैनल दैट इज मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सर ने मशीन पढ़ा दिया तो सब मशीन पानी जैसा क्लियर हो जाता है, बहुत बढ़िया निकेत भाई। तो गाइस फटाफट यहां से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको यहां पे डेली मेरी क्लास की लिंक, पीडीएफ, सब कुछ मिलती रहे, कुछ डाउट डिस्कस करना हो आप कर सकते हैं मुझसे, आप पर्सनल इंटरेक्ट कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट, ये आप कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो जल्दी से, फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।